हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले बीजेपी ने कराए, सीएम रूपाणी के बयान के बाद शुरू हुई हिंसा, ये कहना है कांग्रेस का। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हुए हमलों के लिए कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि गुजरात में बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत उत्तर भारतीयों पर हमले कराए गए। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात हिंसा में शामिल बीजेपी के 3 विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि गुजरात में बीजेपी की साजिश के तहत उत्तर भारतीयों पर हमले की सारी घटनाएं घटी है। इनकी शुरुआत मुख्यमंत्री के बयान के बाद हुई। मुख्यमंत्री के बयान के बाद ही लोगों को वहां से भगाया जाने लगा। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ सबूत है जिससे साबित होता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बीजेपी लोगों को भड़काने का काम कर रही है। गोहिल ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी फैक्ट्री में 20% से ज़्यादा गैर गुजराती होंगे तो उसे मैं नहीं चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि हिम्मतनगर के विधायक समेत अन्य विधायक रैली निकालते हैं और भाषण देते हैं, इसके बाद उत्तर भारतीयों पर हमले होते हैं। 3 FIR में उनके नाम भी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये सोची समझी साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात की सरकार कानून व्यवस्था बरकरार नहीं रख सकती है तो उसे बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। गोहिल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों की गुजरात में सुरक्षा नहीं होती, उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार और गुजरात का बहुत पुराना रिश्ता है, गुजरात गांधी जी की जन्मस्थली है और बिहार उनकी कर्मभूमि रही, दोनों राज्यों का रिश्ता बहुत गहरा है। अल्पेश ठाकुर पर लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ठाकुर ने खुद वीडियो पोस्ट कर लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखे, अगर वो जिम्मेदार है तो उन पर प्राथमिक दर्ज करो और जेल में डालो, लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे सिर्फ राजनीति करनी है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।